नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम अनुज और आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आठवां मैच होगा बेंगलोर और पंजाब के बीच में, जो चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा बेंगलोर के। और दोस्तों, सबसे पहले हम पिच की बात कर लेते तो लास्ट के जो सीज़न था 2017 का, वो काफ़ी ख़राब सीज़न था बेंगलोर के लिए भी, और यहाँ की पिच में भी बहुत ही बदलाव किया गया था। और जहाँ पे पहले यहाँ पे 180-90 का स्कोर बनता था, लेकिन पिछले सीज़न में हमने देखा था कि 160-170 तक इसमें स्कोर बना था। तो इस सीज़न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा स्कोर बनेगा, इसलिए मैंने बैट्समैन ज़्यादा लिए हैं इस टीम में। आप चाहे तो एक बैट्समैन कम करके 3 ऑलराउंडर भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टीम न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं। पहले जो टीम अपडेट आ रहा है, RCB के होम ग्राउंड में मैच होने जा रहा है। उसके साथ ही जो उनके कोच हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि वो 5 बॉलर लेके उतरेंगे इस मैच के लिए। और अगर मिडल ऑर्डर की बात करें, जो इनका बेंगलोर का मिडल ऑर्डर है, उसमें एक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। आपको सरफराज खान की जगह मनन वोरा आ सकते हैं। और साथ ही जो क्रिस वॉक्स थे लास्ट मैच में, क्रिस वॉक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार बना सकते हैं इस मैच के लिए। और साथ ही दोस्तों, अगर हम ओवरसीज प्लेयर की बात करें बेंगलोर के लिए, तो ओवरसीज प्लेयर एक तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन होंगे उनके लिए। ओवरसीज प्लेयर में एक तो AB डिविलियर्स आज होंगे आज के मैच में, उसके साथ ही क्विंटन डिकॉक आज होंगे RCB के लिए। और उसके बाद ब्रेंडन मैककलम आज खेलेंगे और क्रिस वॉक्स आज खेलेंगे RCB के लिए। तो दोस्तों, ये 4 सीज ओवर प्लेयर है, AB डिविलियर्स, क्रिस वॉक्स, ब्रेंडन मैककलम और क्विंटन डिकॉक। और दोस्तों, वहीं अगर हम स्पिन की बात करें तो स्पिनर में युजवेंद्र चहल हैं और वाशिंगटन सुंदर हैं। बॉलिंग ऑप्शन स्पिन के लिए है ये बेंगलोर के लिए। और अगर हम दोस्तों किंग इलेवन की बात करें तो किंग इलेवन ने अपना आखिरी मैच जीता था, और उनकी टीम में जो थे वो एरन फिंच वापस आ गए थे, लेकिन उनका आज खेलना मेरे को नहीं लगता कि वो आज खेलेंगे। और वहीं अगर क्रिस गेल की बात करें तो क्रिस गेल का भी मुझे नहीं लगता वो आज के मैच में खेलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप उनकी जगह वही जो उनका लास्ट टाइम में ओपनिंग प्लेयर था KL राहुल के साथ, वो KL राहुल जो हैं वो ओपनिंग पे आएंगे और मयंक अग्रवाल उनके साथ आएंगे ओपनिंग पे। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब इसके साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहेगा। और दोस्तों, बाकी की जो 4 ओवरसीज प्लेयर हैं पंजाब के लिए, वो हैं डेविड मिलर, मार्कस टोनेज, मुजीब जादरान और एंड्रयू टाई। दोस्तों, मुजीब रहमान ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रही थी लास्ट मैच में, तो आप चाहे तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। अगर दोस्तों विकेट कीपर की बात करें तो विकेट कीपर में लोकेश राहुल मेरे के लिए बेस्ट चॉइस है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने लास्ट मैच में इतना कुछ खास नहीं किया था। हो सकता है वो आज के मैच में भी अच्छा करेंगे, लेकिन मुझे KL राहुल के साथ मेरे को जाना बेहतर लगता है इस मैच में। और दोस्तों, पिच वो फ्लैट पिच है। 2016 का जो एडिशन था उसमें फ्लैट पिच था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 2017 में पूरे ही पिच को चेंज कर दिया था, तो इस बार हो सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिले, इसलिए मैंने 5 बैट्समैन लिए हैं। तो दोस्तों, चलिए टीम की बात करते हैं। विकेट कीपर में मैंने लोकेश राहुल को लिया है। बैट्समैन दोस्तों मैंने 5 लिए हैं, उसमें से मैंने विराट कोहली को लिया है, AB डिविलियर्स, डेविड मिलर, ब्रेंडन मैककलम और करुण नायर। तो दोस्तों, ये 5 बैट्समैन मैंने लिए हैं। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों, ऑलराउंडर मैंने 2 लिए हैं, मार्कस टोनिस को मैंने लिया और क्रिस वॉक्स को मैंने लिया है। दोस्तों, दोनों ही बहुत बढ़िया ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, आप चाहे तो उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। बॉलर दोस्तों मैंने 3 लिए हैं इस मैच में। बॉलर मैंने उमेश यादव लिए हैं, आप चाहे तो उमेश यादव को हटा कर एंड्रयू टाई ले सकते हैं, लेकिन क्रेडिट्स का थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है इसलिए मैंने इनको लिया है। और उसके बाद मैंने दोस्तों मोहित शर्मा लिया है और मैंने मुजीब जादरान को लिया है। तो दोस्तों, एक चेंज अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पंजाब के 2 बॉलर लिए, पंजाब के मैंने एक्स्ट्रा प्लेयर लिए हैं, लेकिन मेरी फेवरेट टीम इसमें आज
बेंगलोर होने वाली है, तो मैं चाहूँ तो मोहित शर्मा को हटाकर वाशिंगटन सुंदर ले सकता हूँ, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर बैटिंग भी कर लेते हैं अच्छी खासी, तो मैंने वाशिंगटन सुंदर को लिया है इस मैच में। तो दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है इस मैच में वो है ए बी डिविलियर्स है, ब्रेंडन मैककलम है, क्रिस वोक्स है, मार्कस टोनिस है, विराट कोहली है और ब्रेंडन मैककलम है। तो दोस्तों ये है पूरी टीम, लोकेश राहुल, विराट कोहली, ब्रेंडन मैककलम, डेविड मिलर, ए बी डिविलियर्स, करुण नायर, मार्कस टोनिस मैंने वाइस कैप्टन बनाया और कैप्टन मैंने विराट कोहली को बनाया, क्रिस वोक्स, वाशिंगटन सुंदर, जादरान और उमेश यादव। तो दोस्तों ये है आज के मेरे 11 प्लेयर्स जो बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ही बैलेंस टीम है ये, और जितनी मैंने अपडेट दी है टीम से रिलेटेड मैं सब कुछ और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज़ यूजुअल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।